सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। हमेशा जिंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। अच्छा काम करते रहो चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं। आज का पंचांग 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 8:42 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र सुबह 4:40 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:51 से 5:32 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर सुबह 11:14 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। आप सभी को योगिनी एकादशी की शुभकामनाएं। वृश्चिक राशि 2 जुलाई 2024 दिन सोमवार, उन परिस्थितियों के लिए खुद को दोष न दें जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। इसके बजाय खुद का सोचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यात्रा के दौरान सावधान रहें जहाँ आपको दूसरों के साथ भावनात्मक संपर्क की आवश्यकता है। व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से संबंध बनाना आपकी मदद कर सकता है। आप अपनी सफलता के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं और अब कोई आपको रोक नहीं सकता। सेहत को लेकर ज्यादा देखभाल की जरूरत है। पैसा प्राप्त हो सकता है जिससे आपकी कई आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएगी। आपकी सहानुभूति और समझ को पुरस्कार मिलेगा। लेकिन सावधान रहें क्योंकि जल्दबाजी में लिया कोई भी फैसला दबाव बना सकता है। आपके प्रिय का डावाडोल मिजाज आपको परेशान कर सकता है। कार्य क्षेत्र में दिल लगाने से बचें, नहीं तो आपकी बदनामी हो सकती है। यदि आप किसी से जुड़ना भी चाहते हैं तो ऑफिस से दूरी बनाकर ही उनसे बातें करें। जीवन साथी के साथ वक्त बिताने के लिए आज आप ऑफिस से जल्दी निकल सकते हैं, लेकिन रास्ते में अत्यधिक जाम की वजह से आप ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। जीवन साथी के रिश्तेदारों का दखल वैवाहिक जीवन का संतुलन बिगाड़ सकता है। परिस्थितियां परिवर्तित होगी तथा नई उम्मीदें बनेगी। कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे आज आपकी बेगुनाही उनके सामने साबित होगी। किसी मनोरंजक स्थल पर जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। आपके स्वभाव और विचारों में आ रहे बदलाव के कारण लोगों को तकलीफ ना हो इस बात का ध्यान रखना होगा। परिवार से निर्णय आपके मन के विरुद्ध होंगे, लेकिन फिलहाल इन्हें स्वीकार करना आपके लिए जरूरी है। काम पर ध्यान ना देने से तकलीफ हो सकती है। अपने प्रयत्न के जरिए नई बातों को सीखने की कोशिश करें। उच्च शिक्षण के लिए किए गए प्रयत्नों को सफलता मिल सकती है। महिला वर्ग के लिए दिन सकारात्मक रहेगा। लव रिलेशनशिप ठीक होने के बाद दूसरों की बातों के कारण चिंता हो सकती है। गलत खान पान के कारण वजन बढ़ने की संभावना है। आज के दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आज कोई भी निर्णय गंभीरता से ले, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय के लिए आपको समस्या होगी। आपको अपने परिवार के सदस्यों का सहयोग भरपूर मात्रा में मिलेगा। आर्थिक मामलों में आपको भाग्य का भरोसा, यदि कोई काम कर रही है तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपका कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है जो आपको परेशान करेगा। आप अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगी जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। सावधानियां, अपने ऊपर अतिरिक्त कार्यभार या जिम्मेदारी न लें क्योंकि सभी कार्यों के बीच संतुलन बनाकर रखने में दिक्कतें आएगी और किसी भी काम में जल्दबाजी की वजह से काम बिगड़ सकता है। इस समय धैर्य और विवेक से काम लेना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। आज के दिन अपने परिवार को समर्पित करने के लिए महत्वपूर्ण है। करियर और अन्य बाहरी विचार आपका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर सकती है। हालांकि आपको रिश्ते की स्थिति पिछले कुछ समय से थोड़ी अनिश्चित हो गई है,
इसलिए ये समय की मांग है कि आप अपने परिवार की तरफ भी पूर्ण रूप से ध्यान दें। ऐसा आपको लगेगा कि आपकी वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचा है, परंतु कुछ विचारशील और संदेहशील अपने साथी के लिए करना आपको काफी पुरस्कृत कर सकता है। आज दिन मनोरंजन से भरपूर है, जहां आप खुलकर जीना चाहते हैं। घरेलू मामलों में आपका ध्यान अधिक होगा, लेकिन इस दौरान अपने पार्टनर को भी याद रखें। उसके लिए खाना बनाएं या कोई रोमांटिक गाना गाएं, आपका हर स्वप्न पूरा होगा। लोगों की बातों को सुनना और उनकी मदद करना जैसा गुड़ आपके लिए निजी और कार्यस्थल दोनों में फायदेमंद है। सपने देखने और उन्हें पूरा करने का उत्साह भी आप में भरपूर है। आपके साथी के साथ आपका तालमेल बेहतरीन है। अगर प्यार नया है तो इसे पूरा वक्त दें, क्योंकि यह प्यार जीवन भर का है। बात करते हैं करियर की। किसी से विवाद आपको परेशान करेगा, लेकिन सुख दुख जीवन का हिस्सा है। ऐसे में अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें। आज आप अपने साथी से संपर्क कर सकते हैं। भविष्य की कुछ बेहतरीन योजनाएं आपका इंतजार कर रही है और आने वाले समय में आपके सभी सपने सच होंगे। दुनिया बेहद खूबसूरत है, इसीलिए बाहर निकलकर इसका पूरा मजा लें। अपने सपनों की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। अपना बेहतर प्रयास डालें। आपने दूसरों का समर्थन किया है, परंतु वे अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते, न जानते, और आपके प्रयासों की सराहना करना भी भूल गए। आप ऐसे लोगों के बारे में चिंता ना करें और अपने प्रयास जारी रखें। अपने कार्य के प्रति अपनी भावनाओं को लगाएं, न कि उन लोगों के लिए जो आपको महत्व नहीं देते। व्यवसायिक गतिविधियों को और समय दें, जिससे आपको बेहतर नतीजे मिल सके। इनकम की स्थिति में सुधार होगा। कर्मचारियों के साथ किसी वजह से तनाव रह सकता है। सरकारी नौकरी में पब्लिक प्लेस पर विवाद ना करें, इससे बचें। विवादों में पक्ष मजबूत होगा। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफल होंगे। कार्यों में एकाग्रता रहेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाने का मौका मिलेगा। शाम को व्यर्थ कामों पर ज्यादा ध्यान लगाएं। अपने काम पर ज्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं सेहत की। आज स्वास्थ्य संबंधित छोटी समस्याओं से बचकर रहें। अगर आप समय पर ध्यान नहीं देंगे तो उपयुक्त सावधानी की कमी के कारण एक छोटी सी समस्या गंभीर रूप धारण कर सकती है। अगर आप अब भी स्थिति संभाल सकते हैं तो आप भविष्य में किसी भी परेशानी से तो बच ही सकते हैं। घरेलू उपाय अपनाने की बजाय अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेषज्ञ की सलाह लें। आपको अपनी डाइट में बदलाव करने की जरूरत है। आज का उपाय, आशा हनुमान भगवान जी की विधिवत पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।